कांग्रेस जिला प्रभारी अरशद अली गुड्डू बुधवार को मुरादाबाद आए। प्रभारी ने सरकार द्वारा CBSE की 12वीं की परीक्षा रद्द करने को पार्टी की जीत करार दिया। कहा कि इसके लिए कांग्रेस ने पहले ही विरोध जताया था कि पार्टी नेतृत्व ने बच्चों को टीका लगाए बिना बोर्ड परीक्षा न कराने की मांग की थी, जिसे सरकार ने मान लिया है। हालांकि मांग है कि सरकार सभी को मुफ्त टीका लगवाने की व्यवस्था करे। जिला प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस ने अब कोरोना संक्रमण से बचाव का अभियान शुरू किया है, जिसके तहत मेडिकल किट बांटने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुरादाबाद में पार्टी को 16,000 किट मिली है, जिसे गाँव देहात में बांटने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस मौके पर संगठन प्रभारी व जिला अध्यक्ष विनोद गुम्बर ने पार्टी दफ्तर पर ब्लॉक इकाइयों को मेडिकल किट का वितरण किया। इस दौरान वरिष्ठ नेता अजय सारस्वत, सोनी राहत खान, अली शर्मा, अनिल शर्मा, प्रवक्ता सुधीर पाठक, अजय गोपाल रस्तोगी, राजेश पाल, मोहम्मद अब्बास, अतिक अहमद, नाजिम सैफी, गंगाराम शर्मा रहे। मेरा नाम विनोद गुम्बर है, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ मुरादाबाद। क्या प्रोग्राम था? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी जो हमारे प्रदेश की महासचिव हैं, श्री अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आपके नेतृत्व में हमने मांग उठाई 12वीं क्लास की परीक्षा या रद्द हो या छात्रों को वैक्सीन लगे। तो कल ही प्रधानमंत्री ने परीक्षा रद्द कर दी। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता के अथक प्रयास से, कांग्रेस के एक एक नेता के अथक प्रयास से हमारी मांग मानी गई। मैं अपने नेतृत्व को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उसके साथ एक मुद्दा हमारा था, बेसिक शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। उन और जिला पंचायत में उन्होंने 6-7 अध्यापकों की मौत को ही उद्गार किया, लेकिन कम से कम 1500 से ऊपर हमारे शिक्षक भाई जिनकी डेथ हुई, हम उनका एक एक नाम, फ़ोन नंबर, जो हमारे खासकर मेरे ज़िले में आते हैं, मैं यथाशीघ्र उसकी लिस्ट बना के ऊपर भेजूँगा। आज हमारे प्रदेश के सचिव, मुरादाबाद ज़िले के प्रभारी श्री अरशद अली गुड्डू जी जो रामपुर के निवासी हैं, आपके अथक प्रयास से एक कोरोना किट 15,000 रुपये, ये आपकी 15,000 किट हमारे ज़िले में भेजी गई, जो हमारे ब्लॉकों के द्वारा, महानगर अध्यक्ष रिजवान के द्वारा, जिनके अंडर में 70 वार्ड आते हैं, हर गली मोहल्ले में जाकर हमें ये देखना है कि कोरोना से कोई पीड़ित परिवार तो नहीं है, कोई इस परिवार के अंदर किसी की कोरोना से डेथ तो नहीं हुई है। हमारे नेतृत्व ने ये भी मांग करी है कि ऑल ओवर इंडिया में कोई कोरोना से किसी की मृत्यु हुई है तो सरकार उनको 10,00,000 रुपये दे। हम एक पूरी लिस्ट बना रहे हैं, हर गांव में जहां पर जिसको बुखार, उल्टी, दस्त, चक्कर, उस गांव के में जो भी बड़ा होगा उस गांव में 1, 2, 5, 10 जितनी ज़रूरत होंगी, ब्लॉक के अध्यक्ष के द्वारा, जो हम लोगों ने अपने ब्लॉक के प्रभारी बनाए हैं उनके द्वारा ये किट वहाँ पर वितरण की जाएगी। और जो जो जी जिसको हम लोग वितरण करेंगे उसके साथ ये एक हमारा वरिष्ठ है जो हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी का उसने संदेश भी दिया है, ये हम उनको देंगे। हम कोई पार्टी का ये नहीं कर रहे, लेकिन हमारी पार्टी हर गरीब तक पहुंचना चाह रही है, हर मजदूर तक पहुंचना चाह रही है। ये जो धांधलीबाजी यहाँ की प्रदेश सरकार और भारत सरकार कर रही है, जिन्होंने दवाओं के अंदर बहुत छेड़खान करी है, अगर 10 रुपए की चीज़ आ रही है तो 100 रुपए का बिल बन रहा है, गरीबों के पास वेंटिलेटर के लिए पैसे नहीं हैं, 2 मिनट के लिए उनको एडमिट करते हैं और 2-2 लाख रुपये सरकार से ले लेते हैं, कैसे बिल यहाँ से पास हो जाता है, इसका हमें एक बहुत बड़ा, और ख़ासकर नगर निगम और जिला अस्पताल में जो बहुत बड़ी धांधली है, इसके साथ उसका बहुत जल्दी हम दवाओं से संबंधित एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी उनकी यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस ने किट जारी की जी, बाकायदा कांग्रेस का मोनोग्राम भी होता है, भाजपा खाना बांटती है, उत्तर में स्टिकर लगाती है, आपकी पार्टी ये करती है, क्या 2022 की तैयारी चल रही है क्या दोनों पार्टी का, प्रचार प्रसार कर रही है महामारी का? अभी 10 दिन से हमारी भी रसोई चल रही है, हमने तो कहीं पर स्टिकर नहीं लगाया,
एक हमारी पार्टी ने हम लोगों को एक ज्ञान दिया है, कर्म ही पूजा है। हमारा काम है कर्म करना। हम अगर एक हाथ से इनको किट देंगे, दूसरे हाथ में ये कहेंगे हमें वोट दे दो, तो इस किट का कोई फायदा नहीं। हमें परिवार सुरक्षित चाहिए, हमें उस परिवार के अंदर जितने मेरे भाई बहन हैं वो सुरक्षित चाहिए। ये वोटों की राजनीति भाजपा करती है। हम लोग नहीं नहीं नहीं, ये उनको कैसे पता चला कि हमने दिए? ये उन्हें कैसे पता चला कि हमको दिए? हम कोई उनको ये थोड़ी बता रहे हैं कि इसके ऊपर कितनी MRP लिखी है। अब आप देखिए, आज प्रेस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अस्पताल के जो आपके प्रेमी जी हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया। अगर विधायक ने लगाया है, क्यों लगाया है, जाँच होनी चाहिए। हम लगाते हैं तो शायद आप कहते हैं कि इसका राजनीति कर रहे हैं। हमारे बक्से में बहुत बहुत बड़ा मसाला है प्रशासन अधिकारियों का। लेकिन अभी देश पीड़ित है कोरोना से, हम लोग राजनीति नहीं करेंगे। और 4 तारीख को हमारा प्रदर्शन है, ज्ञापन है, इसी से संबंधित जो कि हमें जिलाधिकारी को देना है, उसी के स्वरूप में हमारे सचिव, हमारे जिले के प्रभारी हमको समझाने आए हैं, हमें ज्ञान देने आए हैं, हमें 4 तारीख की रूपरेखा का के बारे में बताने आए हैं कि हमें